हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक हाई प्रोटीन गोल्डन मिल्क शेक की रेसिपी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बेड टाइम शेक्स फॉर वेट लॉस। ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। इट्स अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन विद मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए इस डिलिशियस एंड सुपर हेल्दी शेक को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है प्लांट मिल्क। आप डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काउ मिल्क। ये घर पे बना हुआ सोया फ्लेवर्ड मिल्क है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक टेबलस्पून हम ले रहे हैं पीनट बटर। छोटा सा टुकड़ा मैंने रॉ टर्मरिक का लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पाउडर होता है ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर वो ले सकते हैं 1/8 टीस्पून तक। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चने का सत्तू लिया है, रोस्टेड चने का सत्तू, विच इज हाईली न्यूट्रिशियस और ये होता है समर की स्पेशलिटी। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। 1 टीस्पून मैंने समर टी मसाला लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज अगर आपको ये पूरा मसाला नहीं प्रिपेयर करना है, सिंपल फेनल सीड्स यानी सौंफ, इलायची और बहुत थोड़ा सा जिंजर पाउडर जो है उसे आप मिक्स करके इसे बना सकते हैं। 1 टीस्पून प्योर हनी। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बॉटम में मैंने एक ब्लेंडर के जार के 1/4 कप दूध लिया है और अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी। तो पीनट बटर, सत्तू, हल्दी, काली मिर्च और मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर 1/4 और कप मिल्क ऐड करूंगी। तो ये एक सैंडविच टेक्नोलॉजी है। इस तरह से हमारे ब्लेंडर में कुछ भी चिपकता नहीं है। कई बार क्या होता है, बॉटम में अगर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं। सो दिस इज़ एन ईजी मेथड। साथ ही मैंने पूरा दूध एक साथ ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से कई बार लम्प्स रह जाते हैं, ब्लेंडिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले मैंने इसे हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। हमें तब तक इसे ब्लेंड करना है जब तक टेक्सचर जो है वो बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। तो हमारा ये हेल्दी हाई प्रोटीन गोल्डन मिल्क शेक जो है समर्स के लिए तैयार हो गया है। इसे इमीडिएटली कंज्यूम करें। इसे सोने से 1 या 2 घंटे पहले आपको कंज्यूम करना है। नाउ ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आने वाला है वो ये है कि क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं हमारे डिनर के साथ। येस, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइट ओकेशनली, तब आप इसे डिनर जो हमारा नॉर्मल होता है उसे रिप्लेस करके सिर्फ इसे इंजॉय कर सकते हैं। बट डोंट मेक इट अ स्टेपल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप डिनर में एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट लें विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड सम कार्ब्स एज वेल। तो आप इसे कभी कभी रिप्लेस कर सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। तो चलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करती हूँ। सत्तू में प्रोटीन होता है, एक अमाइनो एसिड होता है ट्राइप्टोफन जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करके, ये प्रोटीन आपको नींद में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए भी। इसके नाइट क्रेविंग्स जिन लोगों को होती है उसे प्रिवेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, साथ ही एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है समर्स में आपकी बॉडी को। इट्स अ पावर हाउस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है उसे क्योर करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, आपकी ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है। नाउ एक और जो क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इसे वार्म कर सकते हैं, आप इसे ल्यूक वार्म ले सकते हैं, यानी अगर आपने प्रिपेयर किया एंड यू वॉन्ट टू हैव इट स्लाइटली वार्म तो इसे पैन में डाल के आप हल्का सा वार्म कर सकते हैं। डू नॉट बॉयल इट, अदरवाइज वो सूपी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सत्तू डाला है और वो हीट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद थोड़ा थोड़ा
सॉलिडिफाई होने लगेगा, हल्का हल्का थिक होने लगेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको हल्का सा वॉर्म करें अगर आपको करना भी है तो. अदरवाइज ये जो रेसिपी है आप इसे एज इट इज़ इंजॉय कर सकते हैं. अगेन मिल्क भी आप बहुत ठंडा ना लें, रूम टेम्परेचर का लेंगे क्योंकि गले में भी लगने के चांसेस होते हैं. ऑल्सो यू कैन ऐड सम फ्लेवरिंग एजेंट इफ़ यू वॉन्ट. अगर आपके पास प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट है वो ऐड कर सकते हैं. मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऊपर स्प्रिंकल किया है. सो आई होप यू इंजॉयड वॉचिंग टूडेज रेसिपी. डू गिव इट अ ट्राई, आई हाईली रिकमेंड इट. एंड ऑल्सो इफ यू ट्राई इट, डू शेयर योर रेसिपी पिक्चर्स एंड फीडबैक विद मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन. आज के लिए इतना ही. अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon with another healthy, quick, interesting recipe. You take care. Bye-bye.